पंजाब से इस समय बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ है। अकाली दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेसियों ने हमला किया है। इस हमले के बाद अकाली और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग की भी खबर है। दरअसल जलालाबाद में नगर काउंसिल का चुनाव हो रहा है। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। आज अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन था। नामांकन कराने के लिए खुद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल पहुंचे। जैसे ही सुखबीर बादल का काफिला जलालाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचा, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने लगे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, कई राउंड फायरिंग भी हुई। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव भी किया गया। हालांकि जब पथराव हुआ तो वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे, उन्हें सुरक्षा घेरे में दूसरी जगह रखा गया था। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में दो अकाली वर्कर घायल बताए जा रहे हैं। अकाली दल का आरोप है कि कांग्रेस द्वारा उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के लिए बवाल किया गया है। अकाली दल के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के गुंडे हंगामा कर रहे हैं और हमें नामांकन भरने से रोक रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले को शांत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।